Meet 63-year-old former Indian international Harjinder Singh, who gets the credit for making Chandigarh a major football hub in the country and for churning out talents one after the other. Four out India's 21-member squad in FIFA U-17 World Cup have been coached under the watchful eyes of Harjinder. And they are Captain Amarjit Kiyam, Sanjeev Stalin, Jeakson, Thounaojam and Prabhusukhan Gill. We speak to Singh right before India's big game against the USA about the historical moment and on his four kids. ऐसा है भी जिस एकेडमी में मैं हूँ, जिस एकेडमी के ये बच्चे हैं, वो एकेडमी 2000 में शुरू हुई थी. तो ये बच्चे 2011 में, when they were 10 years, 10 साल के थे, तब ये वहाँ पे ट्रायल देने के लिए आए थे. तो एकेडमी का हमारे का काफ़ी नाम था. तो इन लोगों ने इतनी दूर से मणिपुर से चल के आई है, बेंगलोर से आया स्टालिन, तो ये बच्चे थे तब. तो जब ये आए तो 10 साल के बच्चे के बारे में आप ये नहीं कह सकते भी ये 7 साल के बाद इंडियन टीम में आ जाएगा. वहाँ हमारे पास 24 बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत डेडिकेटेड थे और वहाँ हमारे पे जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत अच्छी होती है. तो इन लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया और बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया, तो आज उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है वर्ल्ड कप का. देखिए, मेरा अपना लाइफ का तजर्बा ये है, एज ए प्लेयर भी, एज ए कोच भी जो भी बच्चे फुटबॉल के साथ जुड़े हुए हैं, हर एक बच्चे में टैलेंट होता है, हर एक बच्चे में टैलेंट होता है. तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लब की, एकेडमी की, कोचेज़ की, भी उस टैलेंट को वो आगे और कैसे पॉलिश करते हैं. क्योंकि हम ये कह दें भी हमारी एकेडमी से इतने ज़्यादा लड़के इंटरनेशनल हुए हैं, तो ऐसे नहीं है भी वो उन्होंने एकेडमी का नाम है ज्वाइन किया और वो इतने बड़े प्लेयर बन गए. वहाँ पे जो ट्रेनिंग है, जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं, जो वो वहाँ पे उनको एक ऐसे सिस्टम में ढाला जाता है भी उनको फुटबॉल के अलावा और कोई मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं होता. क्योंकि वहाँ पे दो टाइम ट्रेनिंग होती है, 1.5 घंटा सुबह करते हैं, 2 घंटे शाम को करते हैं. तो हम उनको मतलब उस लेवल तक उनका बॉल के साथ, गेम के साथ प्यार बढ़ा देते हैं भी उनको पता चल जाता है भी यही हमारा आगे फ्यूचर भी हमारा यही है, इसी से हमने कैरियर बनाना है. और वो ट्रेनिंग के 3 घंटे 4 घंटे जो रोज़ लगते हैं, वो उनको उस ट्रेनिंग ने उनको यहाँ तक पहुँचाया. ये जो अमरजीत है, जैक्सन है, संजीव स्टालिन है, ये जब आए थे तो इनके पेरेंट्स भी साथ में आए थे. तो मेरे को पहले से ही पता था भी ये बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, तो छोटी छोटी दुकानें करते हैं वो. तो बहुत सारे प्लेयर हमारे पास एकेडमी में आते हैं जिनके पास 4 घंटे ट्रैवल करने के लिए बस का किराया भी नहीं होता, तो हमारे को वो भी थोड़ा बहुत बच्चों का देखना पड़ता है भी ये ट्रायल के लिए वहाँ चंडीगढ़ में पहुँच जाए, उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ता है. तो ये जो बच्चे हैं, अब देखिए इनके घर वाले ऐसे हैं, इन बच्चों के दिमाग में ये बात तो पहले से ही है भी अगर हमने कल को रोटी खानी है तो फुटबॉल के बेस पे ही खानी है, फुटबॉल में ही एक्सेल करके मिलेगी हमारे को. तो दिमाग में एक टारगेट होता है भी मैंने फुटबॉल खेलना है और कहीं मेरे को रोज़ी रोटी का मेरा सिलसिला बन जाए. अब जब ये मामला आता है, रोज़ी रोटी का सिलसिला आ जाए, तो वो एक डिसिप्लिन, एक टारगेट से बंधे रहते हैं. वो बने रहने से वो ट्रेनिंग अच्छी करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वही रेगुलर ट्रेनिंग और इतना 5 साल 6 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो उस लेवल पे पहुंच गए जहां उनको ये प्लेटफॉर्म मिला. देखिए, अमरजीत जो है ना, वो शुरू से ही कम बोलने वाला प्लेयर है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर है, लेकिन वो फालतू की बातें नहीं करता था शुरू से ही. इवन कभी हमारे एकेडमी में छुट्टियाँ भी होती थी, जैसे एक संडे को हम ऑफ करते हैं, वैसे कोई छुट्टियाँ पड़ गई, कोई फेस्टिवल है कोई, तो वो लड़का जो है ग्राउंड कभी मिस नहीं करता, वो ट्रेनिंग के लिए जाता ही जाता ग्राउंड में, चाहे वो उस दिन चाहे कोच छुट्टी की वजह से नहीं भी है, लेकिन वो ग्राउंड में अपना ट्रेनिंग करके आता था. और बहुत ही डेडिकेटेड बच्चा था वो और बहुत डिसिप्लिन, और वो शुरू से ही हमारी एकेडमी में भी लवेबल था बहुत. जैसे गिल है सुखन, इसका ये था, ही वॉज़ वेरी टॉल, वो बहुत उसकी हाइट अच्छी है. व्हेन ही ज्वाइंड एकेडमी ना, तो हमारे वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है एज वेरिफिकेशन का, तो उसका भाई भी बहुत लंबा है, उसकी मदर भी काफ़ी टॉल है, फादर भी लंबे हैं, तो उसने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया. तो फिर भी मेरे दिमाग में ये डर था
भी ये कहीं भी जाएगा ना 11 ईयर्स की एज को लेके, तो इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट करेगा भी ये बहुत लंबा है, ये तो उम्र ज़्यादा है इसकी। तो हर जगह वो टेस्ट होता नहीं, हमारा टेस्ट को वो मानेंगे नहीं। तो मैंने उस वक्त इसको, ये डिफेंडर खेलता था जब ये आया, तो मैंने इसको बोला भी हम आपको गोलकीपर खिलाना शुरू करेंगे, ताकि दूसरों को ये मैसेज भी जाए ये गोलकीपर है, गोलकीपर लंबे होते हैं इसलिए ये है, नहीं तो आपको डिफेंडर खेलोगे कोई ना कोई आपके ऊपर प्रोटेस्ट करेगा भी उम्र ज़्यादा हो सकती है तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उसने 3-4 महीने के बाद ज्वाइन करने के बाद गोलकीपिंग शुरू किया, और उस क्योंकि उसके हाथ पैर काफ़ी स्ट्रांग थे, तो बॉल को जब वो ग्रिप करता था तो मैंने देखा ये सूटेबल है गोलकीपिंग के लिए, तो देन ही स्टार्टेड प्लेइंग गोलकीपर एंड ही नेवर लुक्ड बैक। तो मैं ये समझता हूँ भी अब इससे ज़्यादा बच्चों को मोटिवेशन नहीं हो सकता जितना इन बच्चों को मोटिवेशन हुआ है, जितना इनको एक्सपोजर मिला है और जो इनके ऊपर मेहनत हुई है। अब सिर्फ हर एक इंडियन की उम्मीद है इन बच्चों के ऊपर भी, अगर ये बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, इतने रास्ते खुलेंगे भी इंडियन फुटबॉल एकदम बदल जाएगा। होपफुली आई विल गो क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ हूँ जरूर, हम वी आर प्लानिंग टू गो देयर इन बच्चों को साथ लेके जाने के लिए, और होपफुली आई विल बी देयर तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए होना भी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे खेल रहे हैं। होपफुली आई विल बी देयर।